देखो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मैलिटी के बीच में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग स्टेट बोर्ड का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को डायरेक्टली दो नंबर में हम लोग को पूछ देता है, किसी के बीच में भी हम लोग को पूछा जा सकता है मोलैलिटी नॉर्मैलिटी के बीच में या फिर मोलैरिटी मोलैलिटी के बीच में। अधिकांश देखने को मिला है किसके किसके बीच में, मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में हम लोग को जैक बोर्ड में पूछा गया बहुत बार। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना है, जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं बस उसी को एक्सप्रेस करके यहाँ पे दिखा देना। जैसे कि यहाँ पे देखो मोलैरिटी मोलैलिटी के बीच में क्या लिखेगा, सबसे पहले उन लोग को क्या करो, फर्स्ट पॉइंट में उसका डिफिनेशन, जो डिफिनेशन जानते हो उसी को चिपका दो, एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा में उसका क्या लिखो, यूनिट। जैसे कि यहाँ पे मोलैरिटी का यूनिट क्या होता था, मोल पर लीटर, मोलैलिटी का क्या होता है यूनिट, मोल पर केजी होता है, नॉर्मैलिटी का क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, क्लियर है। उसी तरह से ये हम लोग कल बताए थे टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला कहानी, तो कौन कौन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करता है, जिसके पास हम लोग को वॉल्यूम हम लोग का अवेलेबल रहता है। जैसे कि मोलैरिटी, मोलैरिटी में देखते हैं कि वॉल्यूम का हम लोग को टर्म्स आता है, और टर्म्स आ रहा है वॉल्यूम का, इसका मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा। तो इस चलते लिखा हुआ है इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इट इज़ टेम्परेचर इनडिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि इसके पास किसी तरह का वॉल्यूम का चर्चा होता नहीं, और इसके पास क्या होता है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि उसके पास भी वॉल्यूम होता है। फिर उसका ये फॉर्मूला हो गया, तो ये बस इतना ही लिखना है, उसके बाद कुछ यहाँ पे लिखना नहीं है, क्योंकि दो नंबर का पूछेगा, चर्चर पॉइंट लिख देना दोनों का लिखेगा ना, तो बस उतना ही दो नंबर मिल जाएगा। चलो इतना लिख लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखो जो लेक्चर नंबर जो 3 का वीडियो था उसके लास्ट में बोले थे कि दो तुम लोग का एग्जाम्पल वहाँ पे डाला गया था। अब ये वो जो एग्जाम्पल था, जो क्वेश्चन था वो यही था। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तुम लोग तो खुद से प्रैक्टिस कर लिया होगा, जो कि बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो क्या बोला है, बोला है 60 ml ऑफ लिक्विड ए इज मिक्सड विद अनदर लिक्विड बी एंड द सॉल्यूशन वॉज मेड अप टू 300 ml, फाइंड वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ लिक्विड बी इन द सॉल्यूशन फॉर्म। यहाँ पे सबसे पहले देखो गिवेन डाटा हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखो जो लिक्विड ए है उसका क्या चीज़ दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 ml। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे जो वॉल्यूम ए है वो कितना हम लोग को दिया हुआ है, 60 ml दिया हुआ है, क्लियर है। उसके बाद देखा गया है कि जो लिक्विड ए है उसको मिक्स किया जा रहा है दूसरे लिक्विड बी से, मतलब तुम्हारा अगर जो सॉल्यूशन बना होगा वो सॉल्यूशन किससे किससे मिलकर बना होगा, ए और बी से, और बी का और ए का कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। ए का कितना दिया हुआ है वॉल्यूम, 60 ml दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 60 ml। बी का हम लोग को कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ हम लोग को बता दिया है कि ए और बी का मिलाने पर जो तुम्हारा सॉल्यूशन बना है वो कितना बना हुआ है, 300 ml दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 300 ml। अरे तो हम लोग जान रहे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, किसी को तो एको सॉल्यूट मानना पड़ेगा किसी को सॉल्वेंट, तो मान के चलो यही दोनों मिल करके हम लोग को सॉल्यूशन बना रहा है, मतलब ये दोनों का जितना वॉल्यूम होगा वही तो तुम्हारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। तो अगर तुम्हारा बी का वॉल्यूम नहीं पता है तो सॉल्यूशन का पता है, इसका पता क्या इसका नहीं निकाल सकेगा आराम से, कितना हो जाएगा, इधर जाओगे तो तुम जैसे बी का लिखने जाओगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 300 - 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 240 ml हो जाएगा, क्लियर है, बी का पता चल गया। मतलब हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ बी कितना हो जाएगा हम लोग को, तो यहाँ पे 240 ml हो जाएगा। और फिर हम लोग को ये भी दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो कितना हम लोग को दिया हुआ है, 300 ml दिया हुआ है, क्या इतना ही दिया हुआ है। अब हम लोग को पूछा क्या है, पूछा हम लोग को है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ लिक्विड बी का, और लिक्विड बी का हम लोग को वॉल्यूम परसेंटेज मतलब वी बाई वी परसेंटेज हम लोग को पूछा है, किसका, ऑफ लिक्विड बी का, क्लियर है। अब लिक्विड बी का यहाँ पे पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, बस उसका फॉर्मूला हम पुट करो और आराम से कैलकुलेट करो। तो हम लोग जानते हैं जैसे वॉल्यूम परसेंटेज लिखते हैं तो जिसका निकालने बोलता है उसका वॉल्यूम ऊपर लिखते हैं, किसका निकालने बोला था, लिक्विड बी का, तो यहाँ पे उसका वॉल्यूम हो जाएगा, और नीचे वॉल्यूम हम लोग जानते हैं किसका होता था, सॉल्यूशन का होता था, तो सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे और इंटू कितना करना पड़ेगा, 100 से। अब देखो वॉल्यूम ऑफ बी कितना लाया था, वॉल्यूम ऑफ बी 240, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 240, और नीचे कितना हो जाएगा 300, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 से 200 खत्म, यहाँ जैसे जाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 * 8 = 24, और यहाँ पे 0 तो 80% हो जाएगा, कितना आसान सवाल था। तो ये था तुम्हारा सवाल, 80% आ गया था, तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, डी हो जाता, क्लियर है। चलो इतना लिख लो, फिर नेक्स्ट सवाल देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखो हाउ मच सॉल्यूट शुड बी डिजॉल्व इन 20 ml ऑफ सॉल्यूशन सो दैट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज कितना, 30%। कहना है मतलब ये इसका क्वेश्चंस का कि जैसे हम लोग को कितना डिजॉल्व किया जा रहा है, 20 ml सॉल्यूशन में, कितना में,
20 ml सॉल्यूशन में कितना तुम सॉल्यूट को डिसॉल्व करोगे, जिससे उसका जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा वो कितना हो जाए, 30 हो जाए। फिर से समझो, जैसे यहाँ पे एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये सॉल्यूशन का हम लोग को वॉल्यूम दे दिया, कितना दे दिया हम लोग को, 20 ml हम लोग को दे दिया। अब 20 ml सॉल्यूशन में तुम कितना अमाउंट में तुम यहाँ पे सॉल्यूट को डिसॉल्व करोगे कि डिसॉल्व करने के बाद जो उसका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो जाए वो कितना हो जाए, 30 हो जाए। ये हम लोग को क्वेश्चंस में पूछा है और दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो गिवन डाटा कि क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है। सबसे पहले देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को दे दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हम लोग को, 20 ml हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग को पूछा क्या है और हम लोग को और दिया हुआ है डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज दिया, क्या चीज़ दिया हुआ हम लोग को, डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज वो कितना दिया है, 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 30। और हम लोग को पूछा क्या है वेट ऑफ, अब तुम बोलेगा जैसे यहाँ पे हम लोग बात किए कि कितना यहाँ पे सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सवाल दो पैदा होता है, हम लोग यहाँ पे जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे वो हम लोग ग्राम में लेंगे, मतलब उसको वेट में मेजरमेंट करेंगे, कि उसको हम लोग ml वगैरह मतलब उसको वॉल्यूम में लेंगे, यहाँ पे सवाल खड़ा होता है। तो हम लोग ये चीज़ आखिर पता कैसे करेंगे, अरे वही ना सॉल्यूशन है, वही सॉल्यूशन है। हम लोग को यहाँ पे गिवन डाटा में देख रहा है क्या चीज़ पूछा, मास बाय वॉल्यूम, अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोला है इसका मतलब हम लोग जान गए ऊपर W होगा और नीचे क्या होगा, V। अरे ये सॉल्यूशन के लिए हम लोग नीचे दिखाता है और ये किसको दिखाता है, सॉल्यूट को, और सॉल्यूट यहाँ पे क्या चिन्ह दे रहा है, अरे वेट ना, इसका मतलब पक्का है कि यहाँ पे हम लोग किस में निकालना है, उसको वेट में निकालना है, कि कितना अमाउंट में वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, डायरेक्टली वेट ऑफ सॉल्यूट पूछा है, क्या चीज़ पूछा है, वेट ऑफ सॉल्यूट, बस यही कैलकुलेट करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे कहानी करेंगे, देखो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले समझना पड़ेगा कि W बाई वी परसेंटेज तो हम लोग को दे दिया है, और इसका फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो कि W बाई वी परसेंटेज का फॉर्मूला हम लोग को क्या जानते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, अरे उसी का ना पूछा है सॉल्यूट का कितना वेट होगा, तो यहाँ पे वी लिख देते हैं और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, किसका, सॉल्यूशन का हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसका इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ हम लोग को, 30 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 दिया होगा, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे देख रहे तुम्हारा क्या है, वेट है, क्या चीज़ है यहाँ पे, वेट, और नीचे तुम्हारा क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना लिया गया है, 20 ml, कितना लिया है, 20 ml। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो 20 मतलब 20 ml तो यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वेट को निकालेंगे, ठीक है, अब वेट को निकालने जाएगा किसका, सॉल्यूट का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग को, 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 600 ग्राम, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 600 ग्राम। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या हम लोग को कुछ पता चल पा रहा है यहाँ से, क्या यहाँ से अगर हम लोग देखने जा रहे हैं तो कुछ हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, अरे कुछ दिखाई दे रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली देखने जाएंगे तो हम लोग को वेट निकल गया, जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम है कितना हम लोग को, 20 ml। फिर से क्वेश्चन देखो, हाउ मच सॉल्यूट शुड बी डिजॉल्व इन 20 ml ऑफ सॉल्यूशन सो दैट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज 30, कि उसका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना हो जाए, 30 हो जाए, और हम लोग को सॉल्यूशन कितना लिया गया, 20 ml, 20 ml सॉल्यूशन में कितना तुम्हारा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। तो जब हम लोग निकालने गए इस फॉर्मूला से तो हम लोग को कितना निकल गया यहाँ पे, 600 ग्राम हो गया। अच्छा देखो 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 हम लोग को मिस्टेक कहाँ हुआ, सबसे बड़ा मिस्टेक तो हम लोग को गया यहाँ पे, 100 तो हम लोग को छूट गया, हम लोग यहाँ पे परसेंटेज निकालते, परसेंटेज में क्या होता है, 100 भी होता है, वही देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग को मैच नहीं कर रहा है, तो ये 100 को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, और ये 100 जाएगा कहाँ से, हम लोग को बटम चल जाएगा, कितना चल जाएगा, बटम है, तब यहाँ पे हम लोग जैसे जाएंगे यहाँ पे वेट, तो वेट कितना हो जाएगा हम लोग को, 6 ग्राम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग उसका कहानी। चलो इतना लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अब ये हम लोग को लास्ट क्वेश्चन था उसका, जो वीडियो में लास्ट में डाला गया था, क्या था क्वेश्चन, बोला था कैलकुलेट द मास ऑफ केन सुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% केन सुगर सॉल्यूशन विद वाटर। अब देखो इससे पहले जो अभी जस्ट तुम क्वेश्चन को पढ़ा उसमें भी बोला था, अमाउंट पूछा था सॉल्यूट का कि कितना सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व करेंगे, कितना था शायद 60 ml था, कि कितना था 60 या 20 था शायद, कुछ भी था, तो उतना हम लोग को ml तुम्हारा क्या था, सॉल्यूशन था, जिसमें हम लोग को कितना मतलब उतना सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना अमाउंट तुम्हारा जरूरत पड़ेगा
सॉल्यूट का, जिससे उसमें तुम्हारा W बाय V परसेंटेज दिया हुआ था कितना 30%। तो यहाँ पर देखो ये जो परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पे किसी तरह से कोई चर्चा नहीं किया है कि मास परसेंटेज है कि वॉल्यूम परसेंटेज है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो तुमको इसके बारे में अच्छा तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को तो घुमाएगा ही, रहेगा आसान ही, ये भी फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा थिंक करने का यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जरूरत पड़ता है। जैसे यहाँ पे फिर से समझो, एक वो कंटेनर बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या है सॉल्यूशन बना हुआ है, क्या बना हुआ है सॉल्यूशन। अब सबसे पहले इतना समझ लेना कि कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर, इसमें हम लोग को क्या बोल दिया, मास ऑफ केन शुगर, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% केन शुगर सॉल्यूशन विद वाटर। तो यहाँ पे एक सांस में पढ़ो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, केन शुगर सॉल्यूशन जिसका अमाउंट कितना दिया है 250 ग्राम, मतलब 250 ग्राम केन शुगर सॉल्यूशन बनाने में तुम्हारा कितना मास जरूरत पड़ेगा, किसका, केन शुगर का, मतलब केन शुगर यहाँ पे हम लोग मिला रहे हैं, क्या चीज मिला रहे हैं, केन शुगर। तो केन शुगर को कितना अमाउंट में यहाँ पे मिलाएंगे जिससे सॉल्यूशन का जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है हम लोग को, 250 ग्राम बन रहा है, इसका वेट कितना हो गया 250 ग्राम। और यहाँ पे बोल दिया है कि इसका जो सॉल्यूशन का हो रहा है वो कितना बन रहा है 25%। अब तुम्हारा यहाँ पे शक होगा, मतलब प्रॉब्लम होगा कि ये जो आखिर 25% दिया है तो ये क्यों दिया है, ये क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये हम लोग को परसेंटेज में जब भी देगा तो वहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म में तो हमेशा याद रखना, या तो फिर वो W बाई W देगा, या फिर W बाई V, या फिर तुम्हारा V बाई V परसेंटेज, यही तीन वो दे रखा होगा। अब तुम्हें पता करना है कि आखिर है क्या चीज़, तो उसको हम कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, जब भी यहाँ पे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, चाहे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालता है तो उसमें देखता है सबसे पहले ऊपर क्या चीज़ रहता है, सॉल्यूट रहता है, और नीचे क्या रहता है तुम्हारा, सॉल्यूशन रहता है, इतना रहता है। अब यहाँ पे इतना करने के बाद सबसे पहले देखो, ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को यहाँ पे जिसमें मेजरमेंट किया जाता है, जैसे मान के चलो इसका मास में कर रहा है, क्या चीज कर रहा है, मास में, तो इसके लिए हम लोग W लिखते थे। अगर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को भी अगर मास में लिया गया तो यहाँ पे W बाई W परसेंटेज हो जाता था, अगर इसको मास में लिया गया और इसको अगर वॉल्यूम में लिया गया तो क्या कहते हैं हम लोग, W बाई भी परसेंटेज बोलते हैं। अगर इसको भी वॉल्यूम में और इसको भी वॉल्यूम में लिया गया, मतलब भी बाई भी परसेंटेज हो गया। अभी इस क्वेश्चन में देखो, तुम्हारा जो शुगर जो है, केन शुगर मतलब जो तुम्हारा सॉल्यूट है, वो किस में तुम्हारा क्वेश्चन को पूछ रहा है, मास में पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे केन शुगर को कितना यहाँ पे डाला जाएगा, लेकिन उसको जो पूछ रहा है वो किस में पूछ रहा है, वेट में पूछ रहा है। सॉल्यूशन को जो मेजरमेंट किया गया है वो किस में किया गया, वेट में किया गया, मतलब ये भी हम लोग को वेट है और ये भी हम लोग को क्या है, वेट है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये कुछ नहीं, वो क्या दिया हम लोग को, W बाय W परसेंटेज है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखोगे तो वहाँ पे साफ साफ बोल दिया था कि वहाँ पे W बाय V परसेंटेज वहाँ पे मेंशन कर दिया था, लेकिन देखो इस तरह का भी क्वेश्चन तुमको थिंक करना पड़ेगा। यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन दे रखा रहे ऐसा कोई जरूरत नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें अपना भी दिमाग वहाँ पे यूज करना होगा। जैसे मान के चलो अभी इसका पूछ देता वॉल्यूम, क्या पूछ देता, मतलब यहाँ पे मान के चलो 250 ml दिया रहता, क्या रहता है 250 ml, और यही क्वेश्चन सेम रहता तो यहाँ पे देखता सॉल्यूट को मास में पूछेगा और यहाँ पे क्या चीज दिया रहता वॉल्यूम में, मतलब समझ जाता मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछा है, तो उस समय तुम्हारा ये जो 20% दिया रहा है वो क्या रहता तुम्हारा, W बाय V परसेंटेज रहता। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देख करके पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग को क्वेश्चन में जो गिवन डाटा था वो क्या क्या दिया हुआ था, सो आराम से यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले देखो यहाँ पे जैसे हम लोग गिवन में लिखेगा तो यहाँ तो पता चल गया कि हम लोग को पूछा क्या है, सबसे पहले देखा तो वेट हम लोग को पूछा किसका, केन शुगर का। अरे इतना तो समझ में आ गया ना कि केन शुगर को क्या पूछा, वेट पूछा है, जो कि हम लोग को पता नहीं है। फिर साथ ही साथ देखे कि 250 ग्राम क्या चीज़ दिया, अरे केन शुगर सॉल्यूशन है। अब ये वाटर को देख करके घबराओ नहीं यार, ये वाटर खाली बता दिया केन शुगर को किस में डिजोल्व किया गया, वाटर में, तब तुम्हारा केन शुगर का सॉल्यूशन बना हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे विथ वाटर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये वाटर का लेना देना कुछ है नहीं यहाँ पे वैसे भी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का क्या चीज़ दे रखा है, वेट दे रखा है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 250 ग्राम दिया है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अभी तो हम लोग पढ़ करके पता कर लिए कि ये जो 25% है ये कुछ नहीं बता रहा है, ये बल्कि W बाय W परसेंटेज हम लोग को बता रहा है कि W बाय W परसेंटेज कितना हो गया, 25% दिया, क्लियर है। अब इतना ही इंफॉर्मेशन से तुम्हें पता करना है कि उसका केन शुगर का कितना वेट होगा। तो जैसे पिछले ला हम लोग क्वेश्चन को बनाया उसी तरह से सेम बनेगा ये भी, हम लोग कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर देखो W बाय W परसेंटेज हम लोग को दे रखा है ऑफ किसका, केन शुगर का,
और इसका अगर फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेट ऑफ केन शुगर, और नीचे क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाता था, और इनटू कितना करता है 100 इतना करता था। अब देखो ये W बाई W परसेंटेज जो केन शुगर है वो दे रखा है कितना 25%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25%। अब इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो वेट, वेट तो हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे वेट का वेट ही रहने देते हैं। यहाँ नीचे देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 250 ग्राम दिया हुआ है, और इनटू कितना करेगा यहाँ पे 100 करेगा। अब यहाँ से डब्ल्यू टी निकाल लो, मतलब वेट निकाल लो केन शुगर का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, और ये उधर जाएगा तो इनटू हो जाएगा, मतलब 25 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बट्टा में 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। अब इसको काट करके देख लो कितना होगा, सो 5 के पार हम करोगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और आराम से करो 25 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, और इसको और डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 × 12 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, और 0.5 कितना हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। देखो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में था। तो सिर्फ इस क्वेश्चंस को बनाने का बस एक ही मकसद था कि देखो ऐसा भी क्वेश्चंस तुम्हें दिखाई देगा कभी इंट्रेंस एग्जाम में, कि पूरा तुम्हारा ऐसा नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके बारे में पूरा डिटेल तुम्हें बता रखा रहे, तुमको खुद यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन दिया है तो आखिर क्या दिया है। जैसे अभी यहाँ पे तुम्हारा 25% दिया हुआ था, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि आखिर 25% दिया क्या, तो तुम्हें समझना पड़ा कि सॉल्यूशन किस टाइप का बन रहा है। तो यहाँ पे देखे W बाई W परसेंटेज जैसा यहाँ पे हम लोग को कहानी बन रहा है, तो ये किसका हो गया W बाई W परसेंटेज का। चलो इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग मोलैरिटी मोलैरिटी ये सारा चीज़ का कंसेप्ट को देखते हैं। देखो अब हम लोग को ना थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसेप्ट को सीखना जरूरी है, ठीक है। एक होता है मोलल सॉल्यूशन, एक आता है मोलर सॉल्यूशन, और तीसरा आएगा नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है। देखो तीनों चीज़ यहाँ पे एक एक करके समझना बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चंस को समझने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो। एक रहेगा तुम्हारा मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, फिर दूसरा तुम्हारे पास रहेगा मोलल सॉल्यूशन, और तीसरा रहेगा तुम्हारे पास नॉर्मल सॉल्यूशन। देखो कहने का मतलब क्या है, ये मोलर शब्द आया है मोलैरिटी से, मोलल शब्द आया है कहां से मोलैलिटी से, और ये नॉर्मल कहां से आया है नॉर्मालिटी से आया। सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन होता है। अब देखो यहां पे हम लोग कोई भी एक कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पे मान के चलो कोई सॉल्यूशन हम लोग बनाए हैं, अब वैसा सॉल्यूशन जिसका मोलैरिटी, ध्यान से सुनना, वैसा सॉल्यूशन जिसका मोलैरिटी कितना हो जाए 1 हो जाए, क्या हो जाए 1, तो उसको बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? मोलर सॉल्यूशन। अगर मोलैरिटी का बात कर रहा है तो वो हो जाएगा मोलर, अगर मोलैलिटी का बात कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा मोलल, अगर नॉर्मालिटी का बात कर रहा है तब क्या हो जाएगा हम लोग को नॉर्मल। कहने का मतलब अगर मान के चलो जिसका मोलैरिटी क्या बोलेंगे, जिसका मोलैरिटी 1 हो जाए, अरे मोलैरिटी बराबर निकालेगा ना, तो उसका वैल्यू कितना हो जाए 1, तो उस कंडीशन पे ऐसी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। मोलैरिटी है तो मोलर, इतना शब्द समझ में आया। उसके बाद मान के चलो 1 आया, और वो उसको अगर हम लोग बात कर रहे हैं मोलैलिटी का, क्या चीज बात कर रहे हैं मोलैलिटी का, तो वो क्या कहलाएगा मोलल, मतलब ITY सब में क्या करना है छोड़ देना, तो वो कहलाने लगेगा। अगर 1 आया और उस समय उसको बोल रहे हैं नॉर्मालिटी, क्या बोल रहा है नॉर्मालिटी बोल रहा है, तो अभी भी उसको क्या बोलेंगे नॉर्मल बोलेंगे, क्या बोलेंगे नॉर्मल। कहानी समझ में आ गया। वैसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हम लोग को 1 आ जाए, अगर वो मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, क्या चीज़, वैसा सॉल्यूशन जिसका मोलैरिटी कितना हो जाए 1, तो वैसे सॉल्यूशन को मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर वैसा सॉल्यूशन जिसका नॉर्मैलिटी कितना हो जाए 1 हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर वैसा सॉल्यूशन जिसका मोलैलिटी कितना हो जाए 1 हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं मोलल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो एक चीज और लिख लेना, जैसे मोलर मोलैरिटी जहाँ लिखा था ना, मोलैरिटी नॉर्मैलिटी और मोलैलिटी, तो उसको डिनोट कर रहा था कैपिटल लेटर M से मोलैरिटी को, मोलैलिटी को दिखा रहा था स्मॉल लेटर M से, और नॉर्मैलिटी को दिखा रहा था कैपिटल लेटर N से। और वहाँ पे यूनिट का जो बात किया था, यूनिट में देखा था मोलैरिटी में, तो वहाँ पे देखा था मोल और क्या लिखा था पर लीटर, तो मोल पर लीटर के जगह में यहाँ पे लिख देना और लिख करके, वहाँ पे डायरेक्टली कैपिटल लेटर M भी लिखा रह सकता है। जैसे मान के चलो तुम मोलैरिटी निकाला, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया, और सॉल्यूशन करने के बाद तुम्हारा आ गया मान के चलो 0.4, और यहाँ पे लिखता क्या चाहिए मोल पर लीटर लिखता,
अरे मोलैरिटी का वैल्यू निकाला, मान के चलो सॉल्यूशन क्या कितना आ गया 0.4 मोल पर लीटर। तो इतना जो देख रहे हैं मोल पर लीटर, इतना ना लिख करके क्या लिखता है कभी कभी कैपिटल लेटर एम, तो वहां पे क्या लिखा हुआ रहेगा 0.4 कैपिटल लेटर एम। तो ये कैपिटल लेटर एम रहता है तो इसको डायरेक्टली क्या बोलते हैं मोलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं मोलर, कि उसका मोलैरिटी कितना हो गया हम लोग को 0.4। क्या यहाँ समझ में आ रहा है ना, मतलब तुम्हारा यूनिट जो यहाँ पे देख रहा था उसके बदले इतना लिखता है, सेम चीज वही लागू होता है। जब तुम मोलैरिटी लिखेगा तो उसमें मोल पर केजी लिखता था, तो मोल पर केजी की जगह में क्या लिख देगा स्मॉल लेटर एम लिख देगा। नॉर्मैलिटी में जो लिखता था मोल, मतलब कि ग्राम, वहां पे लिखता था ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो उतना ना लिख करके डायरेक्टली क्या लिख देगा कैपिटल लीटर एन लिख देगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था, अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसका, नॉर्मल सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन, और क्या चीज देख रहे थे हम लोग मोलर सॉल्यूशन। तो इसका थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन लिख देते हैं ताकि अब तो समझ में आ गया कि ये तीनों कंसेप्ट क्या होता है, जिसका मोलैरिटी नॉर्मैलिटी या मोलैरिटी कितना हो जाए वन हो जाए। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना चलो लिखो आराम से, तो क्या लिखेगा मोलर सॉल्यूशन में, द सॉल्यूशन विच कंटेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट इन वन लीटर सॉल्यूशन, वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? जैसे देखो अभी तुम निकालने जाएगा मोलैरिटी बराबर लिखेगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखता है और यहाँ पे क्या लिखता है वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स कितना तुम ले रहा है वन ले रहा है तो यहाँ पे वन लिखेगा, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी कितना है वन लीटर, तो कैलकुलेट करेगा कितना निकलेगा वन निकलेगा, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे वन मोलर। इस तरह से कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन में, या फिर कभी वाइवा सब होगा, जैसे मान के चलो अभी आईएससी देगा तभी, जैसे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होगा उसके बाद वाइवा लेने के लिए आएगा तुम्हारा, जैसे जैक बोर्ड का है तो जैक बोर्ड के द्वारा आता है कॉलेज में, तो वहां पे जाओगे वाइवा में, वाइवा मतलब पूछताछ, ठीक है, प्रैक्टिकल जो लेता है उसके बाद जाता है पूछताछ में, तो वहां पे आएगा कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर, तो वहां पे पूछेगा यही सब क्वेश्चन कि क्या होता है तुम्हारा नॉर्मैलिटी, क्या होता है मोलैरिटी, क्या होता है मोलैलिटी, क्या होता है नॉर्मल सॉल्यूशन, क्या होता है मोलर सॉल्यूशन, तो ये सब वहां पूछेगा, तो अच्छा तरीके से एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो क्या इसको सेम सेम तुम लिख लेगा, जैसे इसमें क्या लिखेगा मोलर सॉल्यूशन में, अच्छा लिख ही देते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा द सॉल्यूशन विच कंटेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट इन वन केजी ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज क्या चीज मोलर सॉल्यूशन। अब इसमें नॉर्मल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, तो सेम चीज उसी तरह से लिखेगा the solution which contain one gram equivalent of solute in one liter of solution, बस हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन, उसी को बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन, उसी को बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज हो गया। अगर मान के चलो कभी भी तुम्हारा, अच्छा चलो इतना लिख लो, उसके बाद फिर क्वेश्चन को बात करते हैं। देखो अब ये क्वेश्चंस इसी चलते वो कंसेप्ट को बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चंस में हम लोग को जरूरत पड़ रहा है। क्वेश्चंस को देखो, पढ़ो अच्छा से, क्या बोल रहा था अ मोलर सॉल्यूशन, देखो फिर से समझ लो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मोलर सॉल्यूशन, मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए अगर ये चीज वर्ड सुनाई दिया तो, मतलब मोलर बोल रहा है मतलब मोलैलिटी उस सॉल्यूशन का कितना होगा एक होगा। अगर उसको एक्सप्लेन कर रहे थे मोलर सॉल्यूशन का, तो वहां पे पता चला कि जो सॉल्यूट का जो मोल होगा वो कितना होगा वन होगा, और वहां पे मोलैलिटी मतलब उसमें किसका चाहिए वेट चाहिए हम लोग को सॉल्वेंट का, और वो भी कितना चाहिए एक केजी, कितना चाहिए एक केजी, तो वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ मोलर सॉल्यूशन इज वन, क्या बोला है मोलर सॉल्यूशन कितना हम लोग को वन है, दैट कंटेन्स वन मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या बोला है वन मोल ऑफ सॉल्यूट। तो अगर सॉल्यूट तुम्हारा वन मोल है तो यहाँ पे तुम्हारा कैसा है मोलर सॉल्यूशन है, मोलालिटी तुम्हारा कितना दिया हुआ वन दिया, तो इस चार को जो ऑप्शन दिया है क्या तुम्हारा ऑब्टेन कर रहा है कौन उसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में जा रहा है तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वैसे भी देख रहा है मोलर सॉल्यूशन का बात कर रहा है मतलब मोलालिटी का बात कर रहा है, और मोलर सॉल्यूशन तभी बोलते हैं जब एक मोल होता है और एक केजी होता है, और एक केजी बराबर कितना होता है हम लोग को
1000 ग्राम, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक लीटर तो होगा नहीं क्योंकि अरे वॉल्यूम इसमें चर्चे नहीं होता, ये भी नहीं होगा क्योंकि लीटर का है, ये भी लीटर, लीटर वाला शब्द होगा इसमें नहीं होगा। वही अगर मान के चलो मोलल के जगह हमें मोलर लिख देते तब क्या होता, क्या हो जाता बी, अरे यहाँ पे सॉल्वेंट देख रहे, अरे मोलर में फिर सॉल्यूशन हो जाता था, कौन हो जाता ये वाला हो जाता। तो अब तो धीरे धीरे कहानी समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से नॉर्मल, तो नॉर्मल का तो यहाँ पे कोई कहानियाँ नहीं है, उसको तो वहाँ पे मोल के जगह में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको ग्राम इक्विवेलेंट। तो समझ में आ रहा है क्या है। तो देखो आईआईटी में पूछा था 1986 में एक नंबर में, उस समय आईआईटी कुछ दूसरे तरह से एग्जाम होता था, तो उस समय एक एक नंबर का सवाल रहता है, अभी तो चार नंबर का हो गया है, पहले एक नंबर का रहता है। चलो इसको लिख लो, उसके बाद और क्वेश्चन देते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है हम लोग को किससे, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, जो कि पूछा कहाँ, जेई मेंस में पूछा है 2019 में। देखो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, सामने है, ठीक है। तो 2019 में पूछा, वो भी 12 जनवरी का जो एग्जाम हुआ था उसमें। तो देखो कितना आसान सवाल पूछता है, चार नंबर सही करता चार नंबर मिलता, गलत करोगे -1 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, 8 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली आर। अरे ये जो ब्रैकेट में दिया वो सिर्फ यूनिट दे दिया किसका, मोलैलिटी का, कि क्या चिम है मोल पर केजी में। सबसे पहले यहाँ पे देखो हम लोग लिखेंगे गिवन डाटा का, आखिर हम लोग को दिया क्या क्या गया है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे हम लोग गिवन में लिखेंगे तो हम लोग को इतना तो पता चल गया कि 8 ग्राम क्या है, NaOH जिसको मिला रहा है 18 ग्राम पानी में, मतलब सॉल्यूट तुम्हारा क्या हो गया NaOH, सॉल्वेंट क्या हो गया वाटर, और दोनों का वेट दिया गया, मतलब वेट ऑफ ए बात करेगा तो वो कितना दिया हुआ है तुम्हारा 18 ग्राम, और वही अगर यहाँ पे बात करते हैं वेट ऑफ बी मतलब सॉल्यूट तो उसको कितना दिया है 8 ग्राम दिया है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे चूंकि जैसे हम लोग बात किया आगे चल के इतना इन्फॉर्मेशन दिया था, तो आगे बोला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, कि जो मोल फ्रैक्शन होगा NaOH का, और साथ ही साथ बोला है उसका मोलैलिटी कि क्या होगा। और जो पूछा यहाँ पे देख रहा है ऑप्शन में दो दो का आंसर है, तो दो का आंसर, एक मोलैलिटी का है और एक किसका है मोल फ्रैक्शन का। अब देखो लास्ट में तुम्हारा लिख दिया है रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब जो जैसा पूछा उसी के अनुसार यहाँ पे आंसर दिया। सबसे पहले क्या पूछा था मोल फ्रैक्शन, तो जो पहला वाला जो आंसर दिख रहा है वो किसका होगा मोल फ्रैक्शन का, और लास्ट में तुम्हारा क्या पूछा था मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का ये सब तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। अभी तो इतना समझ में आ गया कि मोल फ्रैक्शन हम लोग को बी निकालना है, और साथ ही साथ देखे मोलैलिटी निकालना है किसका, बी का निकालना है, ठीक है। तो ये मोलैलिटी ऑफ बी निकालना है, बस इतना करना है। अब चलो आराम से यहाँ पे क्या करो, कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले किसको निकालेगा, चलो मोल फ्रैक्शन को निकाल लो। अब मोल फ्रैक्शन जैसे यहाँ पे निकालने जाओगे एक्स बी, तो यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे एन बी होगा और नीचे होगा क्या चीज एन ए, और प्लस में क्या होगा एन बी। अब मोल यहाँ पे किसी तरह का कोई चर्चा है ही नहीं, तो पहले मोल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मोल निकालने के लिए वेट और मोलिकुलर वेट भी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे जो ए है मतलब सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तुम्हारा क्या है वाटर, और वाटर है तो वाटर का तुम पहले से ही जानते हैं कि उसका अगर मोलर वेट का बात करते हैं, मोलर वेट ऑफ वाटर, तो वो कितना हो जाएगा 18 उसका भी होता है, ठीक है। और उसी तरह से अगर यहाँ पे बात करते हैं मोलर वेट ऑफ किसका सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट तुम्हारा क्या है NaOH है, और NaOH है तो इसको जैसे तुम निकालने जाएगा तो सोडियम का कितना हो जाता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो जाएगा 6, 3, 9, और एक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 2, 3, और एक हाथ वाला कितना हो जाएगा 4, तो मतलब कितना हो जाएगा 40 ग्राम हो जाएगा, ठीक है 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40। क्लियर है। अब इन लोग को क्या करना है, मोल निकालना है, तो मोल निकालना है तो इसको डायरेक्टली हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला क्या है, जानते हैं इसका डायरेक्टली इसमें बिठा दो, वेट ऑफ बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका मोलर वेट ऑफ बी हो जाएगा, और यहाँ पर भी जानता है कि यहाँ पे हो जाएगा वेट ऑफ बी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मोलर वेट ऑफ बी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा वेट ऑफ ए हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा मोलर वेट ऑफ ए हो जाएगा, बस क्लियर है। अब सभी का वैल्यू यहाँ पे पुट करते चल जाओ, जैसे करोगे यहाँ पे देखो वेट तुम्हारा कितना था बी का 40 था, तो यहाँ पे कितना बिठा देंगे 40, ओह सॉरी कितना हम लोग को था 8 था, कितना था 8 हो जाएगा, और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा उसका मोलर वेट 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी तुम्हारा 8/40 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 18 और बटा में कितना हो जाएगा 18, ये तो 1 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जैसे जाओगे 5 हो जाएगा, और यहाँ से करोगे तो 5, मतलब इसको करोगे तो यहाँ पे 1/5 और यहाँ पर भी 1/5 और प्लस में 1। अब इसको एलसीएम वगैरह लेकर के जोड़ो, तो यहाँ पे जैसे जाओगे तो एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे
वन बाई फाइव और उसको करने जाओगे तो यहाँ पे फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स बाई फाइव हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको जैसे जाओगे फाइव से फाइव खत्म, मतलब वन बाई सिक्स हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा, जीरो पॉइंट छः कम छः हो जाएगा। फिर जैसे जाएगा चार, मतलब चालीस हो जाएगा, छः तीन अट्ठारह, छः छः चौबीस, छः पच्चीस तीस, छः छः छत्तीस, छः सत्तर बयालीस, तो छब्बीस जाएगा। अब जैसे छः छः छत्तीस जाएगा तो अभी तुम्हारा कितना बचेगा, चार, और फिर से तुम्हारा क्या आ जाएगा, छः 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 चलते रहेगा। मतलब यहाँ पे देख रहे हो कि छः छः यहाँ पे सेवन लिख दिया, तो इसको छः छः जब जा रहा है तो उसको डायरेक्टली कितना कन्वर्ट कर सकता है, सेवन। मतलब देखो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन जो निकल गया वो कितना निकल गया, 0.167। अब देखो कहाँ तुम्हारा, वैसे भी देख रहा है मोल फ्रैक्शन जब तुम्हारा पूछा है वो पहले पूछा था, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है तो पहले वाला वैल्यू किसका होगा, मोल फ्रैक्शन का। अब देखो ये जो जो तुम्हारा 0.167 है वो कहाँ मैच कर रहा है, ये दोनों तो मैच ही नहीं किया, मतलब ये ऑप्शन हम लोग को क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग के पास चूज करने का क्या हो गया इसमें, क्योंकि यहाँ पर भी 1.6 मतलब 167 है और यहाँ पर भी क्या है 167, तो ये दोनों में कुछ भी हो सकता है। अब डिसाइड कौन करेगा तुम्हारा, मोलालिटी। तो अभी फिलहाल पता चल गया कि बी और डी तुम्हारा हो सकता है, समझ में आ गया कैसे मोल फ्रैक्शन निकाले। चलो अब हम लोग को चाहिए क्या चाहिए, मोलालिटी चाहिए। मोलालिटी जैसे हम लोग जाते हैं तो मोलालिटी का फॉर्मूला जानते हैं कि ऊपर मोल होता है और नीचे हम लोग को क्या होता है, वेट होता है। किसका होता है, वेट सॉल्वेंट का। अगर इसको हम लोग लेते हैं किसमें, ग्राम में, तो ग्राम में लेकर यहाँ पे क्या करते हैं, थाउजेंड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो मोलालिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल जाता था सॉल्यूट का, तो अभी अभी निकाल के देखा था 1/5 आ रहा था। अरे अभी कैलकुलेट करके देखा था ना, जिसमें तुम्हारा 8/40 आ रहा था, योग करके देखे थे कितना आया 1/5। तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट कहाँ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 18 है, तो यहाँ पे कितना पुट करेंगे, 18 ग्राम में है, इसी चलते इसको मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 1000 से। अब इसको चलो सॉल्यूशन कर लो, जैसे करोगे यहाँ पे 1/5 हो जाएगा इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 18। अब कर दो 5 से जैसे जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, जैसे जाएगा यहाँ पे 5 × 2 = 10 हो जाएगा, और जैसे यहाँ पे जाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 200। अब इसको कैलकुलेट करो तो कितना चल जाएगा, यहाँ पे जैसे 200 में 18 से मतलब डिवाइड करोगे कितना चल जाएगा, 11.11 इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इतना आने के बाद अब देखो कौन सा ऑप्शन है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें चल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाता, डी हो जाता। देखो कितना आसान सवाल है जो तुम्हारा IIT में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बस इतना करना था, 4 नंबर मिल जाएगा। चलो इतना लिख लो पहले। चलो अब तुम्हारे सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन लेकर कहा है, क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज 0.4, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ गिवेन NaOH सॉल्यूशन। अब देखो ये क्वेश्चंस को देख करके बहुत सारे स्टूडेंट डर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बनाना बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उन लोगों को कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट ही नहीं रहता है। सबसे पहले देखो पिछले वीडियो में तुम लोग को बताए थे एक मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक कंसेप्ट दिए हुए थे, जहाँ में से तुम लोग को बोले थे कि अगर मान के चलो यहाँ पे एक्स ए अपॉन में अगर एक्स भी करते हैं, मतलब दोनों का मोल फ्रैक्शन का अगर रेशियो करते हैं तो वो किसके रेशियो का इक्वल हो जाता है, उसी के जस्ट क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये एक हम कंसेप्ट दिए हुए थे पिछले लेक्चर्स में ही, ठीक है। तो वहाँ पर देखो ये कंसेप्ट का अभी बहुत ज़्यादा यूजेस होगा, कैसे, सो देखो अभी देख रहा है तुम्हारा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो मोल फ्रैक्शन दिया है किसका, NaOH सॉल्यूशन का, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 0.4। इसका कहने का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है NaOH का मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है, 0.4 दिया बस। और डायरेक्ट हम लोग को पूछ क्या दिया, मोलालिटी पूछ दिया किसका, NaOH सॉल्यूशन का, मतलब यहाँ पे हम लोग मोलालिटी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब इतना ही सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हम लोग को क्या होता है, हालत ख़राब हो जाता है कि इतना में हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि जैसे हम लोग मोलालिटी का फॉर्मूला बिठाने जाते हैं, जैसे कि हम लोग इधर लिखते हैं कि मोलालिटी बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, और नीचे हम लोग को क्या हो जाता है, तो यहाँ पे वेट होता है किसका, सॉल्वेंट का होता है। और अगर यहाँ पे इन ग्राम में ले रहा है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हम लोग को क्या होता है, फॉर्मूला होता है, और कहीं ना कहीं इसी के माध्यम से हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखो मोलालिटी निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। अब यहाँ पे वैसे भी देख रहा है कि NaOH सॉल्यूशन है, तो हमेशा समझ आना करें ये NaOH जब भी यूज होता है तो ये सॉल्यूट के रूप में ही होता है। अब यहाँ पे देखो कोई भी हम लोग को सॉल्वेंट का चर्चा नहीं किया है कि आखिर ये जो NaOH है सॉल्यूशन जो बनाया है वो आखिर किस में डिजॉल्व करके बनाया गया, तो आज के बाद तुम लोग याद रखना। वैसे भी स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन चल रहा था उस समय भी तुम लोग को बताया गया था कि अगर हम लोग को कुछ नहीं बोला गया है तो हमेशा तुम लोग समझ जाओ कि जो यूनिवर्सल जो रहता है, क्या जो होता है, यूनिवर्सल जो तुम्हारा सॉल्वेंट के रूप में जिसको माना जाता है वो किसको माना जाता है, लिक्विड, तुम्हारा मतलब कि
वाटर को माना जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, यूनिवर्सल हमेशा किसको, मतलब अधिकांश समय में देखोगे तो तुम्हारा सॉल्वेंट के रूप में क्या दिखेगा, वाटर दिखेगा। तो अगर क्वेश्चंस में कभी तुम्हारा मेंशन किया हुआ नहीं रहे कि सॉल्वेंट क्या है, तो सॉल्वेंट को हमेशा तुम क्या मान लेना, वाटर मान लेना, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चंस में देख रहा है डायरेक्टली सिर्फ बोल दिया मोल फ्रैक्शन किसका है, NaOH सॉल्यूशन का 0.4, और डायरेक्टली पूछ दिया है मोलालिटी हम लोग को पूछ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई हम लोग को सॉल्यूशन के बारे में भी चर्चा नहीं किया है, और ना ही साथ ही साथ हम लोग को सॉल्वेंट का बात किया, कुछ नहीं किया। तो उस कंडीशन पे सॉल्वेंट को किसको मान लेना है, वाटर को मान लेना है। अब हम लोग को मकसद क्या है, मकसद है हम लोग को कि सॉल्वेंट का हम लोग को वेट चाहिए और मोल चाहिए क्या चाहिए, सॉल्यूट का। तो अब सबसे पहले चलते धीरे धीरे, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे जानो जो सॉल्यूशन बना है कहीं ना कहीं तुम्हारा तो ए प्लस बी मिलकर के ही बना है, और बी को तुम क्या मान लिया है, NaOH। ए अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग, वाटर मान लेंगे। मतलब वाटर और तुम्हारा NaOH का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो दोनों को अगर ऐड करते थे तो कितना का इक्वल होता था, 1 का इक्वल होता था। तो यहां से अभी देखो तुम्हारा क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सो अगर हम लोग चूंकि जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि मोल फ्रैक्शन, अगर यहाँ पे देखते हैं कि NaOH और प्लस में यहाँ पे करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो इक्वल कितना हो जाएगा हम लोग को, 1 का। अभी तुम्हारे पास किसका दिया हुआ है, NaOH का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हम लोग H2O का नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O हम लोग का हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या हुआ, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन भी निकल चुका है। अब देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकला, यहाँ पे हम लोग को सॉल्यूट का निकला, तो क्या ये रेशियो वाला जो कंसेप्ट था इसका अप्लाई करके हम लोग क्या इसका मोल नहीं निकाल पाएंगे। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम लोग बोले थे कि जब रेशियो का वैल्यू आता है तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेकर के चलते थे, तभी लेकर के चलते थे जब हम लोग को रेशियो दिया जाए और रेशियो पूछा जाए। तो यहाँ पर देखो ये तो रेशियो का माध्यम था, अभी मोलालिटी जो है, मोलालिटी यहाँ पे देख रहा है, ये भी तो एक फ्रैक्शन ही है, किसके किसके बीच में, नंबर ऑफ मोल्स और किसके बीच में, हम लोग को वेट ऑफ सॉल्वेंट का, तो ये भी किसके किसके बीच में है, तो मोल और वेट के बीच में रेशियो है। तो इसी चलते यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रेशियो दिया गया और फिर से रेशियो हम लोग को पूछा गया, इसी वजह से इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के चलेंगे। तो हम लोग को मोल फ्रैक्शन पता चल गया था, इसके माध्यम से क्या करेंगे, मोल भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो आराम से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे बोलेंगे जो मोल फ्रैक्शन होगा किसका, NaOH का, और अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कर देते हैं हम लोग वाटर का, ये दोनों का अगर डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो उसी का मोल का, यहाँ पे हो जाएगा NaOH का और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा किसका, वाटर का, क्लियर है। इन दोनों का वैल्यू हम लोग को पता है, ऊपर वाला का हो जाएगा 0.4 और नीचे हो जाएगा 0.6, और यही तुम्हारा क्या हो गया, मोल हो गया NaOH, और यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अभी देखो तुम्हारा मोलालिटी के लिए जरूरत है क्या चीज, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए था किसका, सॉल्यूट का, मतलब कि यहाँ पे NaOH का हो जाएगा, और जो कि NaOH का क्या अभी नहीं बता सकते हो, आराम से तुम बता सकते हो, क्या बता सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली तुम बोल सकते हो कि जो नंबर ऑफ मोल्स हो गया किसका, NaOH का, वो कितना हो जाएगा हम लोग को, 0.4 मोल हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स जो होगा तुम्हारा वाटर का वो कितना हो गया, 0.6 मोल होगा। तो ये दोनों तो हम लोग को कंप्लीट हो गया, क्या ऊपर वाला इंफॉर्मेशन हम लोग को पता चल गया, आराम से पता चल गया। चाहिए क्या चाहिए हम लोग को, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन दिया गया नहीं है, अब उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, तो अभी जान रहे हैं कि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है तुम्हारा, वाटर, उसका मोल पता है, तो मोल पता है, और यहाँ पे वाटर जान रहे हैं, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका मोलिकुलर मास भी निकाल सकते हैं, कितना होता है, 18 को मोल से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या से वहाँ से वेट नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सो देखो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, मोल को वेट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग जान रहे हैं कि जैसे वेट निकालने जाएंगे किसका, H2O का, कैसे जानते हैं, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स को गुना कर देंगे उसका मोलिकुलर वेट से, क्लियर है। इसका मोल कितना है, 0.6 है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका मोलर वेट, तो वाटर का कितना होता है, 18 होता है, ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है, जैसे करोगे तो कितना हो जाएगा, 10.8 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तुम्हारा क्या हो गया, इतना ग्राम उसका वेट हो गया। तो जब हम लोग वेट निकाल लिए सॉल्वेंट का, तो क्या वहां पे पुट नहीं कर सकते हैं, आराम से पुट कर सकते हैं। तब अब यहां से क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस इसको सॉल्यूशन करना है और निकाल देना है आंसर, ठीक है। अब यहां से देख रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, मोलालिटी बराबर जैसे लिख रहे हैं, तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया तुम्हारा, NaOH का 0.4 था, तो यहां पे हम लोग पुट करेंगे कितना, 0.4, और इनटू है यहां पे कितना, 1000 से,
क्यों कर रहे थे थाउजेंड से, क्योंकि यहाँ पे ग्राम में ले रहे हैं और यहाँ पर भी हम लोग ग्राम में लिए। अब बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया तुम्हारा वाटर का, 10.8, तो यहाँ पे कितना पुट कर देंगे 10.8। अब इसको कैलकुलेट कर दो, वैसे भी देख रहा पॉइंट पॉइंट ऊपर ऊपर है तो दोनों खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं 4 × 1000 और नीचे हो जाएगा तुम्हारा 108 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट करके देख लो, तो कैलकुलेट करेगा तो कितना आ जाएगा 37.037, इतना लास्ट में आ जाएगा तुम्हारा। और ये इसका यूनिट हम लोग को क्या आ जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा हम लोग को मोल पर केजी हो जाएगा, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली मोलालिटी लिख सकता है स्मॉल एम, ठीक है। तो ये था तुम्हारा बनाने का प्रोसेस। तो देखो अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े थे कंसेप्ट, सभी को ब्रेन में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो फॉर्मूला रखना है, उसके बाद अभी तो दो ही तो कंसेप्ट बताए एक्स्ट्रा, क्या क्या, एक रेशियो वाला कहानी और रेशियो का कब यूज करेंगे सो कहानी बताए, बस तो दो हुआ था उसी के माध्यम से। अब देखो ये क्वेश्चन अगर किसी को दे दिया जाए अचानक तो वो हड़बड़ा जाएगा, क्यों, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं गया। तो देखो अब हम लोग को सोचने की क्षमता थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं समझोगे तो फिर क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। चलो इतना लिखो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अब नेक्स्ट जो सवाल है ये भी तुम्हारा जेई मेंस में पूछा था 2019 में, जो 10 तारीख को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस इसको बनाने का तरीका तुम्हें पता होना चाहिए। एक स्टेप में तुम आराम से इसका आंसर लिख सकते हो। देखो द अमाउंट ऑफ शुगर जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ इट्स 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन इज। अब देखो क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस में बोल रहा है कि जो शुगर से जो प्रिपेयर किया सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन का कितना है मोलैरिटी, बोले थे कल ही बताए थे कि मतलब कभी भी तुम्हारा 0.1 मोलर मतलब कैपिटल एम है, मतलब समझ जाना उसका मोलैरिटी कितना है 0.1 है। अगर इस तरह से 0.1 स्मॉल एम रहता तो क्या बोलते हैं उसका मोलैरिटी कितना है 0.1 है। तो ये सब तो पहले से ही जानता है। अब यहाँ पे देखो उसका मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.1। तो यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें तो पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। जैसे हम लोग देखें कि मोलैरिटी कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखें कि मोलैरिटी हम लोग को कितना दिया हुआ है 0.1 मोलर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी तुम्हारा दिया है कि सॉल्यूशन कितना बनाया गया है 2 लीटर, तो इसका मतलब वहाँ पे जो वॉल्यूम हो जाएगा किसका सॉल्यूशन का, वो कितना है हम लोग को 2 लीटर, क्लियर है। अब हम लोग को क्वेश्चन पूछा था कि वैसे हम लोग को सॉल्यूशन बन रहा है शुगर का जिसमें से कितना लीटर तुम्हारा सॉल्यूशन बन रहा है 2 लीटर, और उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी है वो कितना है 0.1 मोलर। तो उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए शुगर का भी तो कुछ अमाउंट का जरूरत पड़ेगा, 2 लीटर सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसका मोलैरिटी 0.1 बन रहा है, तो उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए तुम्हारा शुगर का कितना अमाउंट उसमें घोला जाए जिससे तुम्हारा ये सॉल्यूशन बने, तो उसी को हम लोग को क्या करना है निकालना है। जब जब अमाउंट के बाद करें मतलब समझ जाना उसका वेट पूछा है, इसका मतलब समझ गए कि वेट ऑफ हम लोग को किसका निकालना है शुगर निकालना है, क्लियर है। बस इतना ही हम लोग को क्या करना है काम करना है। हम लोग के पास इंफॉर्मेशन जो दिया गया वो क्या दिया है मोलैरिटी और क्या दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां से हम लोग को निकालना है शुगर का वेट, हम लोग को कुछ नहीं देखना है डायरेक्टली। देखो यहां पे मोलैरिटी दिख रहा है, मतलब इसका पहले क्या करो फॉर्मूला लिख लो। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे शुगर लेकर के चल रहे थे यहाँ पे शुगर लिख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम हो जाता है किसका सॉल्यूशन का हो जाता है। अगर इसको हम लोग लीटर में लेते हैं तो क्या यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं करते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखो तुम्हारे पास मोलैरिटी भी पता है वॉल्यूम भी पता है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, मोलैरिटी कितना दिया हुआ था 0.1 दिया था इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे शुगर का, और नीचे वॉल्यूम हम लोग को कितना दिया हुआ है 2 लीटर दिया है, क्लियर है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर कितना हो जाएगा, ये जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.2 मोल हो जाएगा, क्लियर है। अब मोल पता है, अब तुम्हारे पास फॉर्मूला पता है, तो क्या फॉर्मूला के बेसिस पे इसका मोलिकुलर वेट नहीं निकालने सकोगे आराम से, तो यहाँ पे इसका मोलिकुलर वेट निकाल करके देख लेना किसका शुगर का, तो उसका देखोगे तो कितना हो जाएगा 166 प्लस में यहाँ पे देखोगे तो 176 जोड़ करके देख लो तो 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 342 हो जाएगा, ठीक है। तो उसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 342 किसका शुगर का। अब उस मोलिकुलर वेट पता है मोल निकला है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे वेट निकाल लेंगे। कैसे जानते हैं, तो हम लोग मोल का फॉर्मूला तो पता है, क्या जानते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जानेंगे डायरेक्टली कि वेट ऑफ अगर शुगर निकालोगे तो उसमें हम लोग करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसका मोलर वेट से, क्लियर है। मोल तुम्हारे पास कितना है 0.2, अरे वहां पे कितना आ गया 342, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आंसर 68.2
4 हो जाएगा, इतना ही आ रहा था, इतना आ जाएगा तुम्हारा क्या चीज आंसर, जो कि तुम्हारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। देखो कितना आसान सवाल था, कुछ नहीं था, बस खाली फॉर्मूला बेसिस से क्या था, क्वेश्चन दिया गया था। तो यही क्वेश्चन हम लोग को पूछा था IIT JEE मेंस में 2019 में। चलो इतना लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट सवाल देते हैं। देखो अब ये हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन थे, ये भी हम लोग को IIT में पूछा है 2011 में। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो क्या बोल रहा है। डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया जिसका मोलिकुलर वेट दिया है 60 ग्राम पर मोल, और यहाँ पे क्या है, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर गेव अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.15 ग्राम पर ml, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। अब यहाँ पे देखो बोल क्या रहा है कि 120 ग्राम यूरिया को डिजॉल्व किया जा रहा है 1000 ग्राम पानी में, तो उसका जो सॉल्यूशन बन रहा है वो सॉल्यूशन का डेंसिटी जो है वो कितना है, 1.15 ग्राम पर ml दिया हुआ है। तो सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दिया है, पूछा क्या है, मोलैरिटी पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं क्या करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे, तब हम लोग को वहाँ से ज़्यादा सॉल्यूशन को हम लोग पता कर पाते हैं कि कैसे हम लोग को बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अभी हम लोग देखें यहाँ पे कि वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट, क्योंकि हम लोग जान गए अरे यूरिया हम लोग का सॉल्यूट होगा जिसको डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में, तो इसका वेट कितना दिया हम लोग को, 120 ग्राम दिया है। और उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वो कितना दिया हुआ है, 1000 ग्राम दिया हुआ है। क्लियर है? अब देखो हम लोग को क्या दे रहा है सो। अब यहाँ पे हम लोग सवाल ये पैदा होता है कि जैसे फिर एक और था इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेंसिटी, डेंसिटी हम लोग को दिया हुआ है 1.15 ग्राम पर ml दिया हुआ है। अब जैसे कि हम लोग को पूछा क्या है, हम लोग को पूछा है मोलैरिटी, तो अगर हम लोग को मोलैरिटी पूछा है तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लो, तब हम लोग को पता चलेगा आखिर हम लोग को क्या क्या की जरूरत पड़ेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है NB होता है, और यहाँ पता चल रहा है कि वॉल्यूम होता है किसका, सॉल्यूशन का होता है, इतना हम लोग को पता रहता है। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन का लेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे ml में ले रहे हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? इतना हम लोग जान रहे हैं। अब यहाँ से देखो इन्फॉर्मेशन में जो दिया गया कहीं भी तुम्हारा मोल ऑफ सॉल्यूट पता है क्या, नहीं पता है। और यहाँ पर देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी नहीं पता है। एक और इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया है मोलिकुलर वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट का दिया है, मतलब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मोलिकुलर वेट ऑफ क्या, किसका, सॉल्यूट का, कितना दिया है, 60 दिया हुआ है। तो हम लोग देखो उसका वेट दिया है, मोलिकुलर वेट दिया है, इसका मतलब वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। तो जैसे हम लोग मोल निकालने जाएंगे NB, तो वहाँ पे हम लोग इजिली क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। कैसे, वेट कितना है, 120, तो ऊपर 120 हो जाएगा, और मोलर वेट कितना हो जाएगा, 60, तो यहाँ पे 60 कर देंगे, कितना हो जाएगा उसका, 2 मोल हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से NB तो निकल गया, मतलब एक तो इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल लिए, अब जरूरत क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया नहीं गया, अब उसको कैलकुलेट करना है। अब देखो तुम्हारा एक वो अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया, क्या चीज़ दिया, डेंसिटी, डेंसिटी हम लोग को दे रखा है, और हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हम लोग को वेट होता है किसका, सॉल्यूशन का, और फिर नीचे क्या होता है, वॉल्यूम होता है किसका, सॉल्यूशन का होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो डेंसिटी तो हम लोग को दिया, क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को दिया, नहीं, लेकिन हम लोग जान रहे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन के बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, सॉरी 1120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1120 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग को इतना पता चल गया, तब हम लोग को क्या करना है, पुट करना है, पुट करके आराम से कैलकुलेट कर लेना। अब देखो डेंसिटी हम लोग को दिया है 1.15 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन, कितना हो गया हम लोग को, 1120 हो गया, और यहाँ से वॉल्यूम हम लोग को निकालना है। अब निकालना है तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वॉल्यूम को इधर ले लाओ, इसको वहाँ पे ले आओ, तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग वॉल्यूम को निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1120 और अपॉन में 1.15। कैलकुलेट करोगे ठीक है, नहीं तो अभी इसको इसी तरह से छोड़ दो, इसको ml में रहने दो, MLA में आएगा। अब यहाँ पे इसको देखो वॉल्यूम तो पता चल गया सॉल्यूशन को, सिर्फ वहाँ पे क्या करना है, पुट करना है और आंसर ले आना है। अब यहाँ पे देखो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू NB तुम्हारा कितना आ गया, 2 मोल, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 अपॉन में वॉल्यूम कितना है तुम्हारा, 1120 और अपॉन में कितना है, 1.15, तो यहाँ पे हो जाएगा 1120 और ऊपर ले जाओ कितना, 1.15, इतना हो जाएगा। अब इसको बस कैलकुलेट करना है और आंसर ले आना है। तो इसको जैसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद कितना आंसर आता है, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.0
0.05 मोलर। कैलकुलेट करके देख लेना, बस यहाँ पे क्या करना है, बस जीरो वगैरह हटाओ और फिर कैलकुलेट कर लेना खुद से, ठीक है। तो ये है उसका बनाने का तरीका। तो हम लोग को क्या था, ऑप्शन नंबर सी हो जाता। अब देखो इतना ही सॉल्व करता, चार नंबर हासिल कर लेता। तो क्वेश्चन हम लोग को बहुत आसान रहता, बस उसको अप्रोच कैसे करना है वही चीज़ हम लोग को सीखना है। और यही सब तुम्हारा सिखाएगा कौन सी, डीपीपी। जो डीपीपी में तुम लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा उसको एक एक करके तुम लोग सॉल्यूशन करना, वहाँ से हम लोग को बहुत सारा कंसेप्ट का वहाँ पे नॉलेज होगा, ठीक है। चलो इसको बना लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान है ये वाला भी। क्या बोल रहा है, डेंसिटी ऑफ 40% W/W सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.2 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या बोला है, सवाल में ये बोला है कि जो डेंसिटी है जो सॉल्यूशन का वो कितना हम लोग को 1.2 ग्राम पर ml, और वो जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका जो कंसंट्रेशन वो क्या बोला है 40% दिया है, क्या चीज़ में, W/W सॉल्यूशन किसका, NaOH का। अगर यहाँ पे हम लोग गिवन डाटा लिखे तो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि 40% हम लोग को दिया है क्या चीज़ में, W/W में दिया है किसका, NaOH सॉल्यूशन का, इसी का हम लोग को दिया हुआ है। अभी हम लोग पहले से ही जान रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड क्लास से ही देखते आ रहे हैं जब से कंसंट्रेशन टर्म शुरू हुआ, यहाँ से पता करना है कि यहाँ पे क्या क्या बात कर रहा है। नीचे वाला बात करते थे सॉल्यूशन का, ऊपर वाला बात करते हैं सॉल्यूट का। और यहाँ पर जो परसेंटेज रहता है वो कुछ नहीं, ये सॉल्यूट का ही दिया रहता है। और सॉल्यूट क्या चीज़ में है, वेट में। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्टली बोल देते हैं कि वेट ऑफ जो सॉल्यूट होगा वो कितना हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा। और जब भी इस तरह से रहता है तो बोले थे कि जो सॉल्वेंट रहे मतलब सॉल्यूशन जो रहेगा, अगर यहाँ पे वेट है तो उसको ले लेना 100 ग्राम, अगर यहाँ पे वॉल्यूम रहता है तो क्या ले लेते हैं 100 ml। तभी क्या है, W है। इसका मतलब यहाँ पे जो वेट हो जाएगा किसका, सॉल्यूशन का, तो वो कितना हो जाएगा हम लोग को, 100 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है, इतना इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है। और साथ ही साथ उसका डेंसिटी कितना दिया है सॉल्यूशन का, 1.2 ग्राम यहाँ पे दिया है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1.2 ग्राम पर ml दिया हुआ है, इतना ही सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया है। और हम लोग को पूछ क्या दिया है, तो हम लोग को पूछा मोलारिटी, और मोलारिटी बराबर वाट। तो मोलारिटी का सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो हम लोग चूंकि जान रहे हैं कि जो मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, यहाँ पे हम लोग को होता है वॉल्यूम ऑफ क्या इसका, सॉल्यूशन होता है। और वो अगर यहाँ पे हम लोग इन ml में ले रहे हैं तो यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा 1000 से। क्लियर है। अब देखो चूंकि NB निकालना है हम लोग को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का हम लोगों को पता है नहीं, तो यहाँ पे जब वेट वगैरह है ही तो उसको अलग से जो करने जाएंगे उससे बढ़िया कि इसका फॉर्मूला और भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो जो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट होता था और यहाँ पे क्या होता था, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाता है, इंटू हो जाएगा यहाँ पे 1000 और नीचे हो जाएगा हम लोग को वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। अभी देख रहा है वेट तो हम लोग को पता है सॉल्यूट का 40 ग्राम, मोलिकुलर वेट नहीं पता है लेकिन फॉर्मूला पता है NaOH, तो इसका जैसे निकालोगे तो उसका भी हो जाता है क्या चीज़, 40 ग्राम ही हो जाता है। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, मोलर वेट ऑफ NaOH, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्यूट, तो इसका भी निकालोगे तो 40 से आता है, कैलकुलेट करके देख लेना। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का कैसे निकालोगे, डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, अब डेंसिटी दिया है और वेट ऑफ सॉल्यूट भी मतलब सॉल्यूशन भी दिया है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आराम से तुम्हारा क्या मतलब कि डिवाइड करोगे इन लोग को 100 में से इतना, तो आराम से वहाँ से निकल जाएगा हम लोग को क्या चीज़, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला को और भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो एक और फॉर्मूला लिखे थे जो इसको अलग से डेंसिटी का जो हम लोग खेलने जाएंगे उससे बेहतर है कि उसको और रिड्यूस कर लो। कैसे करते थे, तो यहाँ पे हम लोग जानते थे कि वेट ऑफ सॉल्यूट रहेगा और नीचे हम लोग को हो जाएगा क्या चीज़, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट रहेगा, यहाँ पे हम लोग 1000 था तो चलो 1000 को लिख देते हैं। और देखो वॉल्यूम के बराबर लिखते थे हम लोग क्या चीज़, मास अपॉन में डेंसिटी लिखते थे, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे जैसे डेंसिटी रहेगा तो उसको ऊपर भेज दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसिटी। क्लियर है। यहाँ पर जो वेट रहेगा वो किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। क्लियर है। और ये डेंसिटी किस में रहेगा, ग्राम पर ml, जो कि है भी। अब पुट कर दो, वेट कितना था 40, मोलर वेट कितना है 40, यहाँ पे 1000 और डेंसिटी कितना है 1.2 है, और नीचे देखो वेट ऑफ जो सॉल्यूशन है वो कितना हम लोग को 100 है, और यहाँ से देखो 100 से दो को जीरो खत्म, एक ये 40 से 40 खत्म हो जाएगा। क्लियर है। अभी यहाँ पे देखो 1.2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 12, तो इतना ग्राम हम लोग को क्या निकल जाएगा, मोलारिटी निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग को, मोलर लिखो या तो फिर यहाँ पे क्या लिख दो, 12 मोल
पर लीटर लिख देंगे। क्लियर है? तो ये रहा आंसर, बहुत आसान था कैलकुलेशन। तो ये चीज था, देखो ये फॉर्मूले को भूलना नहीं, क्योंकि हम लोग जो अलग से मेहनत करते हैं, हम लोग के पास समय कम रहेगा, तो ये सब फॉर्मूला अगर दिमाग में रहेगा तो चुटकी में लोग पुट करके निकाल सकता। चलो इतना लिख लो, फिर नेक्स्ट सवाल देते हैं। आ देखो नेक्स्ट सवाल हम लोग का क्या है, सो द नॉर्मैलिटी ऑफ 10% डब्ल्यू बाई वी एसिटिक एसिड इज। अब यहाँ पे देखो हम लोग को पूछा क्या है, पूछा है नॉर्मैलिटी, जिसमें से जो सॉल्यूशन दिया गया है वो किसका दिया होगा, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया गया होगा, जिसमें तुम्हारा क्या दिया हुआ है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज दिया, वो कितना दिया हम लोग को 10%। सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है कि एसिटिक एसिड का जो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज है 10% है। अब उसी के माध्यम से तुम्हें निकालना क्या है, नॉर्मालिटी निकालना। ये क्वेश्चन तुम्हारा सीपीएमटी में पूछा है 1983 में, जो कि पहले होता था तुम्हारा कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट होता था, ठीक है? तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, देखो बहुत आसान है, इसको कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। इसको सबसे पहले गिवन डाटा में देखो हम लोग को दिया क्या है, तो हम लोग को दिया है 10% हम लोग को दिया है डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज में दिया किसका, एसिटिक एसिड का। अब देखो इससे हम लोग क्या क्या निकाल लेते, वैसे भी समझ लो ना इतना ही कि एसिटिक एसिड तुम्हारा सॉल्यूट के रूप में ही तुम्हारा वहाँ पे मौजूद रहेगा। तो यहाँ पे इतना तो पता चल जाता है कि ये हम लोग को क्या हो जाता है, ये चीज़ हो जाता है, यहाँ से परसेंटेज को कितना लेते हैं, वॉल्यूम को। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं जो वेट होगा तुम्हारा एसिटिक एसिड का वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 10 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा क्या है डब्ल्यू में, तो डब्ल्यू को वेट में लेंगे। अब यहाँ पे देखो भी है, तो भी मतलब सॉल्यूशन को क्या चीज लेना, वॉल्यूम। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, और वो कितना हो जाएगा हम लोग को 100 ml हो जाएगा। क्लियर है? ये सब कैसे पता करते, पहले से ही तुम लोग करते आ रहा है। तो इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है और इसी के माध्यम से तुम्हें क्या निकालना है, नॉर्मालिटी। तो इस क्वेश्चंस को बनाने का दो तरीका बताएंगे जिससे तुम लोग आसानी से बना सकते हैं। फिलहाल देखो हम लोग को पूछा क्या है, नॉर्मालिटी, मतलब नॉर्मालिटी बराबर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। अब हम लोग चूंकि जानते हैं कि नॉर्मालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मालिटी का फॉर्मूला होता है ऊपर में देखोगे तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट सब होता है, लेकिन हम लोग चूंकि जो पूरा उस सब जो फॉर्मूला लिखेंगे फिर से हम लोग क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करके जो उसका रिड्यूस फॉर्म में लिखे थे उसको लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम इसको लिख देते हैं ना, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट होता था, यहाँ पे इंटू करते थे एन फैक्टर से करते थे, और इंटू करते थे यहाँ पे 1000 से, और यहाँ पे लेते थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते थे, अरे यही चीज़ होता है, और इसको लेते थे किसमें, ml में। तो ये हम लोग रिड्यूस फॉर्म में था किसका, नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला। अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है कितना, 10 ग्राम, उसका मोलिकुलर वेट, अब तुम्हारा CH3COOH तो बस निकाल ही लोगे। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा CH3COOH इसका निकालोगे तो कितना निकल जाएगा, 60 निकल जाएगा मोलर वेट, ठीक है, आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ से इसको पुट करना है, एन फैक्टर एसिटिक एसिड है, क्या है, एसिटिक एसिड, और कल के मतलब पीछे ही तुम लोग को बताएं कि एन फैक्टर कैसे निकलता है। तो यहाँ पे देखो CH3COOH यही होता है तुम्हारा क्या चीज, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चर्स बनाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH3COOH, यहाँ से O और यहाँ से H, ये चीज़ हो जाएगा। और तुम लोग को पीछे ही वीडियो में बताएं कि क्या बताए थे कि हाइड्रोजन, अब ये एसिड है ना, एसिड का हम लोग एन फैक्टर कैसे पता करते हैं कि वो कितना हम लोग को एच प्लस डोनेट करेगा। अब यहां से देखो कितना हम लोग को एच प्लस डोनेट करेगा, यहां से देखेगा कंफ्यूज हो जाएगा, 3 और 1 4 बोलेगा, लेकिन 4 को करेगा नहीं करेगा। यहां पे देखते हैं, कल है तुम लोग को बताएं कि वहां पे वही हम लोग हाइड्रोजन रिमूव हो पाता है जो ऑक्सीजन के साथ वहां पे कंबाइन रहता है। तो यहां पे देख रहे हैं एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो वही तुम्हारा क्या करेगा, एच प्लस देगा। इसका मतलब तुम्हारा जो एन फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? अभी देखो ये भी पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 है, बस अभी क्या करना है, पुट करना है, निकाल देना। चलो इसको पुट करो, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम, उसका मोलर वेट कितना हो गया, 60, एन फैक्टर कितना हो गया, 1, यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तुम्हारा कितना हो जाएगा, 100, 100 से 100 खत्म, और यहाँ से 10 ये खत्म हो जाएगा, खत्म उतना। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा 1 point, और 4 आएगा, 6 6 36, मतलब 6 6 6 6 जाते रहेगा, तो इसको लिख सकता है 6 point, मतलब कि 1.67। देखो यहाँ पे कहाँ है तुम्हारा, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखा है, 1.7, तो मतलब कि और भी उतना नहीं, इसको फिर से क्या किया, राउंड फिगर करके, अरे इसी को क्या मान लिया, इसी को मान लिया 1.7 मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये तुम्हारा जो ऑप्शन होता, ऑप्शन क्या हो जाता तुम्हारा, सी हो जाएगा। बहुत आसान था, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें क्या करना था, एन फैक्टर को कैसे निकालेंगे वो देखना था, बाकी सब तो इजी ही था। चलो इतना लिख लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं।
अब देखो सबसे आसान सवाल जो कि तुम्हारा कहाँ पूछा था, एम्स कॉलेज में जो होता था पहले इंट्रेंस एग्जाम ये सब होता था, तो उसमें तुम्हारा पूछा सीबीएसई पीएमटी 2011 में 1900, ये तो सीबीएसई में भी पूछा है 2011 में क्वेश्चंस में, और यहाँ पर देख रहा है एम्स वाला में कितना पूछा था 1992 में। कितना आसान सवाल है, नॉर्मैलिटी ऑफ दो मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले देखो तुम्हारा जो गिवन डाटा है यहाँ से पहचानो क्या दिया हुआ था, नॉर्मैलिटी हम लोग को पूछा है सल्फ्यूरिक एसिड का जिसका मोलैरिटी कितना है 2 मोलर, मतलब यहाँ पे 2m लिखा है, इसका मतलब तुम समझ जाना कि वहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया है, कितना दिया है 2 मोलर दिया हुआ है। अब मोलैरिटी दिया हुआ है, नॉर्मैलिटी पूछा है, तो अभी तुम लोग पीछे वीडियोस में देख करके आया है वहाँ पे हम लोग देखे थे कि नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन, तो नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी के बीच में बस बहुत ही आसान था, कॉमन था यहाँ पे रिलेशन कि नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी इक्वल होता है, बस थोड़ा सा फर्क क्या रहता है यहाँ पे एन फैक्टर का, कि एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग मोलैरिटी में तो बन जाएगा हम लोग को नॉर्मैलिटी। अभी देखो मोलैरिटी दिया हुआ कितना दिया है 2 मोलर, तो यहाँ पे 2 दिया है, एन फैक्टर कितना होगा, अब तुम्हारा क्या चीज़ दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है, और इसका तुम लोग एन फैक्टर भी पीछे वीडियो में निकाल के देखा था, तो इसका एन फैक्टर कितना होता है 2 होता है इसका एन फैक्टर, क्लियर है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, और 2 मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 4, चूंकि ये नॉर्मैलिटी है तो नॉर्मैलिटी को कैपिटल लेटर एन से दिखाया जाता था यहाँ से, तो यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर तुम्हारा कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में है 4 नॉर्मल, बस खत्म। कितना आसान सवाल है, बस इस तरह से तुम्हारा बोर्ड एग्जाम वगैरह में भी तुम्हारा पूछते रहता है। चलो लिख लो फिर नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखो कल तुम लोग को बोले थे एक टॉपिक लिखे थे टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इनडिपेंडेंट, तो बोले थे एक ऐसा सवाल हम लोग को जैक भी अभी पूछता है, सीबीएसई में भी पूछता है, तुम्हारा जेई हो नीट हो चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो इस तरह का सवाल पूछता है, ये सवाल तुम्हारा आईआईटी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे देखो क्या है, सो इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन रिमेन्स इनडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा गया है उनमें से कौन ऐसा कंसंट्रेशन टर्म्स है जो टेम्परेचर पे क्या है इनडिपेंडेंट है। अब टेम्परेचर पे इनडिपेंडेंट वही हो पाता है जिसके पास हम लोग को वॉल्यूम ना हो। अब यहाँ पे देखो मोलैरिटी, मोलैरिटी में तो वॉल्यूम है भैया, वॉल्यूम में तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब नॉर्मैलिटी इस पे पास भी वॉल्यूम है मतलब ये भी डिपेंड करेगा, फॉर्मैलिटी ये भी करता है ठीक है। अब तुम्हारा यहाँ पे देख रहा है मोलालिटी, तो मोलालिटी में देखता है कोई भी हम लोग को यहाँ पे वॉल्यूम को बात नहीं करता, इसी चलते कौन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्लियर है। चलो लिख लो, तो चलो आज का वीडियो यहीं पे रहेगा। आज का जो लेक्चर था यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि देखो हमारा मकसद सिर्फ जैक बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ पास आउट नहीं होना है, बल्कि हम लोग को बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ जितने भी आने वाले दिन में जितने भी हमारे सामने इंट्रेंस एग्ज़ाम को फेस करना पड़ेगा वो सारे एग्ज़ाम को हम लोग अच्छे से क्वालिफाई कर सके, इसका भी प्रिपरेशन हम लोग साथ ही साथ करते जा रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को 12th के बाद बहुत सारा अपॉर्चुनिटी होता है, जिसमें से आपको हो सकता है अगर इंजीनियरिंग करना है तो आप वहाँ पे जेई क्वालिफाई करेंगे, अगर आपको नीट करना है क्योंकि आपको डॉक्टर अगर बनना है तो उसके लिए आपको नीट का प्रिपरेशन करना है, अगर आप आगे चलकर हायर एजुकेशन की प्राप्ति करना चाहते हैं एक अच्छा सा यूनिवर्सिटी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तो उसके लिए आपको CUET एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर अगर आप डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है जो कि आपका रहता है NDA। तो ये 4 एग्ज़ाम्स होते हैं जो आपके 12th के बाद तुरंत होता है, एक तो आपका है ही तो आपका क्या चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम, तो बोर्ड एग्ज़ाम में कोई उतना लेना देना है नहीं क्योंकि ये हम लोग को पूरा इजीली तरीका से क्या होता है कवर हो जाता है, जिसमें आप अच्छा तरीका से मार्क्स उठा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो हम लोग को प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है हम लोग को ये 4 एग्ज़ाम में, तो ये चारों एग्ज़ाम्स को हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि देखो चारों में आप चाहे बोर्ड एग्ज़ाम की बात करो चाहे जेई का चाहे नीट का चाहे CUET का चाहे NDA का, सारा का सिलेबस क्या है सेम है, पढ़ना कंटेंट हम लोग को उतना ही है, बस खाली क्वेश्चंस ट्राई करने का प्रैक्टिस करने का तरीका सिर्फ सभी का अलग अलग है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि अगर आप कंसेप्ट को समझ गए तो उससे रिलेटेड जितना भी प्रकार का आपसे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछा जाए वो सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाना चाहिए ठीक है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ हमारा चैप्टर पूरा अच्छा तरीका से मजबूत हो पाया। तो इसी वजह से मैं साथ ही साथ आपको देख रहा मतलब आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठा करके लिया जा रहा है कि आपको देखो यहाँ पे नीट का क्वेश्चन है, ये देखो जैक मतलब कि CBSE का है, ये देखो अभी जैक बोर्ड का भी करवाएंगे, अभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम लोग को पूरे चैप्टर्स का हो जाएगा उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डील करवाया जाएगा। तो अभी देख रहे हैं नीट का जेई का जितना भी क्वेश्चंस होता है वो सारा कुछ साथ ही साथ करवाते जा रहे हैं ताकि आप खुद वहां पे जाकर के रियलाइज कर सके कि हाँ
हम लोग अगर इस तरह का टॉपिक को अगर पढ़ेंगे और इस बेसिस से अगर पढ़ते जाएंगे तो हम लोग हर एग्जाम को अच्छा तरीके से क्वालिफाई कर सकेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग का जो न्यूमेरिकल पार्ट था, मतलब कंसंट्रेशन टर्म जितने भी थे वो सारा कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस भी किए, लेकिन इतना ही हम लोग को प्रोसेस पूरा खत्म नहीं होता है। देखो क्वेश्चंस करवाने का तो हम बहुत सारा चीज़ यहाँ पे करवाते चले जाएंगे, हर दिन बहुत सारा क्वेश्चंस करवाते जाएंगे, लेकिन हर कुछ यहाँ पे करवाया जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से आप सभी को क्या किया जा रहा है, DPP दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? DPP, जो होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो उसमें आपको क्वेश्चंस रहेगा। तो आपको अभी अगर आप टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप तुरंत जाकर के टेलीग्राम चैनल से वहाँ पे जुड़ जाइएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे दिया रहेगा और साथ ही साथ वहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी देखिएगा, तो वहाँ पे कमेंट में भी वहाँ पे क्या हुआ है, डाला गया, आप चेक करके देख सकते हैं। कमेंट में भी एक लिंक डाला गया है जो कि आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको इसका PDF फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, DPP मिलेगा। क्या मिलेगा? DPP। वहाँ पे आपको अभी 5 DPP डाल दिया गया है। कितना डाला गया? 5 DPP, जिसका वहाँ पे आंसर भी साथ ही साथ डाल दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, हर DPP में देखेंगे, हर PDF में आपका 8 गो, 9 गो, 10 गो क्वेश्चन या फिर 12 क्वेश्चन ऐसे करके आपको मिलेंगे। तो वहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल्स दिया गया, जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो सारा कुछ ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम जितना भी आप दीजिएगा तो वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव ही देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन है, क्वेश्चंस है, उसको बनाने की खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। और वहाँ पे आपका एक आंसर शीट दिया गया है, तो वहाँ पे जाकर के DPP का क्वेश्चन नंबर अपना देख करके वहाँ पे आंसर को मैच कर लीजिएगा। रही बात की अगर मान के चलो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में आपसे 6 गो बना, 4 गो बना नहीं, तो 4 गो क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करेंगे? हो सकता है आपका वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर ना हो सकता है आप उसको फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करने जान रहे हो, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, आप हमसे पूछेंगे कैसे? तो आप पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए पूरा DPP को। ठीक है, हर एक DPP को खुद से बनाना, चाहे गलत ही बने गलत ही सही, लेकिन आपको बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद से अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, मेरा मकसद जो है आप सभी को पूरा डीपली नॉलेज देना है। ठीक है, इसी वजह से जब हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी अपने तरह से कुछ ना कुछ तो एफर्ट डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसी चलते वहाँ पर जो DPP जितने भी रहेगा वो सारा कुछ को आपको सोल्यूशन करना है। उसका सोल्यूशन भी वहाँ पर मतलब आंसर शीट वहाँ पे डाला गया है, सिर्फ कितना आंसर है, ए है कि बी है कि सी है। ठीक है, उसके बाद हर एक DPP का सोल्यूशन वीडियो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। मतलब कि मान के चलो DPP नंबर 1 है, क्या है आपका DPP नंबर 1, अगर DPP नंबर 1 में जितना भी है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक, ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक एक करके कैसे इसको अप्रोच करते हैं, क्या करते हैं नहीं करते, तो यहाँ पे 10 सॉल्यूशन किया रहेगा क्वेश्चंस का। अब मान के चलो आपका DPP नंबर 1 में आपका 4th नंबर क्वेश्चंस को आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे अप्रोच करेंगे, तो आप इस वीडियो को क्लिक करेंगे, वहाँ पे देखेंगे 4th वीडियो का सॉल्यूशन, देखेंगे कि इस क्वेश्चंस को कैसे बनाया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गया जिसके वजह से आप नहीं बना पाए, तो ये सारा चीज़ वहाँ पे देखेंगे, तो आपका पूरा डॉट क्लियर हो जाएगा और आप अगला बार से वो क्वेश्चंस को बनाने के लायक हो जाएंगे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चंस को आप अटेंड कर पाएंगे, उससे आप JEE भी क्वालिफाई कर जाएंगे, उससे आप NEET भी क्वालिफाई कर जाएंगे, उससे आपका CUET में धमाल मचा देंगे, बोर्ड एग्जाम तो पूरा गर्दा उड़ा देंगे। तो इसमें कोई टेंशन नहीं, बस सिर्फ आपको फोकस होकर के पढ़ना है, बाकी जितना चीज़ हम पढ़ाते जा रहे हैं, जिस तरह से अभी तक आपको एक एक बात समझ में आया उसी तरह से हर एक चैप्टर को यहाँ पर समझाया जाएगा, सारा वीडियो आपको दिया जाएगा पूरा फुल सिलेबस का, और इसी तरह से प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो बस आप सभी से इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना भी पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसको रिपीट करते जाइए, उसको रिवीजन करते जाइए, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो सारा कंसेप्ट भूल जाओगे, और जितना आसानी से भी समझ में आया बाद में उसको भूल जाओगे। समझ में आ गया? तो इसी चलते खुद से मेहनत जरूर करिएगा, क्योंकि मेरा इतना एफर्ट डाल रहे हैं तो आपको भी उतना डालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना बल्कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना, और आपका भविष्य यहाँ पे सुरक्षित हो सके, उज्ज्वल हो सके, इसी वजह से हम यहाँ पे आपके लिए काम कर रहे हैं। और लास्ट में बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके लिए इतना मेहनत करवाया जा रहा है, इतना किया जा रहा है, तो बस आपसे एक ही नम्र निवेदन रहेगा कि आप वहाँ पे वीडियो को अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट को देखे जा, ताकि जो नॉर्मल स्टूडेंट जो पढ़ रहे थे जैसे तैसे, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वहाँ पे क्या करते हैं, कोचिंग को एफर्ट नहीं कर पाते पैसों की वजह से, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे और यहाँ पे फ्री में वो सारे कंटेंट को यहाँ पे पढ़ सके, जो आपको ऑफलाइन में भी अच्छे से नहीं दिया जाता है। समझ में आ गया? इतना एफर्ट कोई नहीं डालता है। ठीक है, तो बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है नहीं करिएगा तो आगे आने वाला दिन में जितने भी वीडियोस आएगा उसको आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे हमसे जुड़ेंगे उतना ही जल्द हम एक ऐप बनवाने वाले हैं। पहले ही जो हम अनाउंस कर रहे थे इस मतलब
जो भी हमारा यहाँ पे चल रहा है अभी सीरीज, उसके लिए हम लोग पहले ही बता दिए थे कि हम लोग बनवाने वाले हैं एक ऐप, ठीक है। और तुम्हें भी पता है कि ऐप बनाने में बहुत ज़्यादा हम लोग को खर्चा उठाना पड़ता है, जो कि हमारे पास उतना भी अवेलेबल नहीं है जो हम इस ऐप को बनवा करके उसका खर्चा हम उठा सकें। और वैसे भी आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको पूरा फ्री में ही पूरा कोर्स करवाया जाएगा। बस इतना ही होगा कि आपके द्वारा यहाँ पर अगर ज़्यादा संख्या में रहेंगे तो कुछ इनकम हम लोग को हो जाता है यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से, तो वही पैसा को यूज कर देंगे यहाँ पर ऐप में। अब देखो ऐप बनाना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखो अभी DPP वगैरह कहाँ आपको दिया जा रहा है, आपको टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम में क्या होता है कि अभी डाले फिर से अगला चैप्टर रहेगा, अगला क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या होता है पूरा बड़ा एक लिस्ट बन जाएगा जिसमें आपको खोजने में बहुत सारा परेशानी होगा। जब ऐप बन जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस फाइल बनते जाएगा कि आपको ये चैप्टर का यहाँ पे मिलेगा, DPP यहाँ है, नोट्स यहाँ है, आपका वीडियो यहाँ है, तो इस तरह से। तो वहाँ पे क्या होगा, एक अच्छा तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से आप अपना वहाँ पे चीज़ों को खोज सकेंगे। और यहाँ पे टेलीग्राम में क्या होता है कि उतना अच्छा तरीके से हम लोग को नहीं हो पाता, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो जितना जल्दी हम लोग के साथ ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना जल्दी हम यहाँ पे ऐप बनवाने की कोशिश करेंगे। ऐप बन जाएगा उसके बाद आपको बहुत सारा लाभ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो बस इतना ही बोलेंगे, तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, जितना भी टॉपिक अभी तक पढ़ाया गया वो सारे टॉपिक आपको कवर हो गया होगा अच्छा तरीके से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर को पढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे रॉल्स लॉ, वेपर प्रेशर, वो सारा कुछ कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, फिर उधर से हम लोग को चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा हम लोग को समय लगेगा नहीं, बस आप इसी तरह से मेहनत करते जाइए, हम भी मेहनत करेंगे। अगर अच्छा लगता है तो जो आपका रिस्पांस होता है कैसा लगा लेक्चर्स के, क्या समझ में नहीं आया, आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वही सब देख करके हमें क्या होता है एनालाइज हो पाता है कि हाँ सच में बच्चों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं भी आ रहा है, समझ में आ गया। चलो तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।